ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के निर्देश पर चल रहे अभियान में थाना साहवर पुलिस ने अवैध हथियारों के कारखानों का भंडाफोड़ कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मौके से 3 सातेर अवैध हथियारों के सौदागरों को गिरफ्तार करते हुए मौके से 10 तमंचा, 7 जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में अधवने असला सहित हथियार बनाने वाले उपकरणों को भी बरामद कर लिया है। 20 दिनों से मेरा अभियान चल रहा है अवैध असला के ऊपर, जिसमें ये तीसरी खेप है। ये तीसरी खेप बरामद हुई है, 10 असले इसमें बरामद हुए हैं। पहली बार 31 थे, दोबारा 24 थे, ये तीसरी बार 10 असले बरामद हुए हैं। वाकया इस तरह से है, साहवर थाना अंतर्गत ये खालसा फार्म तिराहा है, उस तिराहे के बगल में एक श्मशान की भूमि है, श्मशान की सुनसान भूमि है। वहाँ पे ये सत्येंद्र, सोनेलाल और मुलायम सिंह, ये तीनों लोग, एक इनका साथी भागा हुआ है, ये चारों लोग फैक्ट्री चला रहे थे। तो रात्रि सूचना थी मुखबिर की, तो रात्रि भ्रमण के दौरान, आज का ये मुहर्रम का टाइम चल रहा है तो पुलिस घूम रही है, उसी समय ये सूचना मिली कि वहाँ पे ये कारोबार हो रहा है, दबिश डाली गई, ये सारी बरामदगी किया गया। और मैं फिर पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ये अवैध असलहे जो हैं, इनका जो निर्माण हो रहा था इसी समय बरामद कर लेना, ये बड़ी उपलब्धि है। ये बनते मार्केट में जाते, किसी की जान पे भारी पड़ते तो हम रिकवर करते, तो शायद उतना सफलता हमें न मानी जाती। ये पूरा 2500 रुपये का रेट है इनका। अब पिछली बार भी इंसिडेंट ओकेट नहीं हो पाया प्रॉपरली, रात में पकड़े गए हैं। ये कौन इनका ले जाता है, कहाँ ले जाते हैं, कितना अभी बेच चुके हैं, कितने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन अभी होगी, फिर कार्रवाई करें। पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुलायम सिंह और सत्येंद्र निवासी नगला रिजौरी थाना पटियाली व सोनेलाल निवासी नाजिर नगला जनपद फरुखाबाद को दबोच लिया, जबकि इनका एक साथी सुनील निवासी जनपद फरुखाबाद मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने पकड़े गए तीनों असला तस्करों को जेल भेज दिया है। बहादुर सिंह के नेतृत्व में थाना साहवर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियारों का कारखाना चलाते हुए 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों तस्कर के नाम सोनेलाल, मुलायम सिंह और सत्येंद्र बताए जा रहे हैं। 7 तस्करों के कब्जे से 10 तमंचा, 7 जिंदा कारतूस, असला बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में अधवने असला बरामद किए हैं। जो तस्कर हैं उनका पूरा काम असलाहों को तैयार करना था। मजे हुए तस्कर हैं, पूर्व में भी असला बनाने में माहिर। पकड़े गए जो असला हैं वो जाहिर तौर पर क्राइम को अंजाम देते थे, चाहे वो लूट की घटना हो, चाहे वो डकैती हो या फिर मर्डर, ऐसी आपराधिक घटनाओं में असला कार किया करते थे। फिलहाल साहवर पुलिस ने क्राइम कंट्रोल की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पासगंज से टाइम्स 18 न्यूज़ के लिए रोहतास कुमार। ये है टाइम्स 18 न्यूज़, खबर आपके मतलब की।